दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए हैं। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 13 कैंडिडेटों के नाम सिलेक्ट कर दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अब जो है अपने कैंडिडेट्स के नाम सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर आने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी और कौन सी पार्टी यहां पे बाजी हार जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव में ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को जैतपुर पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर सिलेक्ट कैंडिडेटों की बात करें तो गंगोह से श्री नौमन मसूद हैं और लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह हैं। वहीं मणिकपुर से जो है रंजना पांडे और प्रतापगढ़ से नीरज त्रिपाठी और जैतपुर से श्री तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं। वहीं आपको बता देना चाहता हूं गंगोह सीट से नौमन मसूद को टिकट देकर के कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड भी खेला है। वहीं लखनऊ कैंट से मैंने आपको जैसा बताया दिलप्रीत सिंह को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में बसपा ने भी ऐलान किया था वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 11 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वही जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहां पे पलड़ा भारी होने की बात करें तो दोस्तों बीजेपी का यहां पे पलड़ा भारी है, क्योंकि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि वहां पे लड़ रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सारी अलग और ऐसी पार्टियां हैं जो कि अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए अभी तक के जो समीकरण है उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपकी राय से, आपके हिसाब से किस पार्टी की यहाँ पे जीत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।